हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद राजश्री। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेज रेसिपी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे एक वेज रेसिपी शेयर करने के लिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का एक रेसिपी। ये है पनीर बटर मसाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पनीर बटर मसाला बनाने में मुझे यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रफली चॉप्ड किया हुआ ऑनियन ली हो, साथ में एक रफली चॉप्ड किया हुआ टमेटो ली हो, साथ में कुछ ड्राई रेड चिली और थोड़ा सा काजू। इस सब से लेके मुझे एक पेस्ट बना लेना है। और पनीर बटर मसाला है तो थोड़ा सा बटर भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। साथ में है 2 टेबलस्पून ड्राई मेथी लीव्स और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ में सॉल्ट एंड शुगर मैं यूज़ करूँगी, शुगर थोड़ा सा बैलेंस के लिए। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ करूँगी, आप लोग चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे करीब मेरा 200 to 250 grams पनीर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी पहले ये पेस्ट बना लेते हैं, इसलिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक एक करके ड्राई रेड चिली और डालेंगे ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से ब्राउन ब्राउन करके हमें भूनना है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें डाल देंगे काजू, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर लास्ट में डालेंगे टमाटर। टमाटर को तब तक भूनना है जब तक टमाटर का कच्चापन चले ना जाए। अभी आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अभी ये मिक्सचर को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसको हम एक मिक्सी की बोल में डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने मसाले का एक फाइन पेस्ट बना लिए हैं। तो अभी इसको हम अलग से रखते हैं। अभी इसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दी हूँ। यहाँ पे मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, पनीर को हल्का सा ही फ्राई करूँगी। अभी आप देख सकते हो पनीर हल्का सा फ्राई हो चुका है। अभी मैंने एक बोल में पानी ले ली हूँ और ये शैलो फ्राई किया हुआ पनीर को मैं इसमें डाल दूंगी। इससे पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। अभी पैन में हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और अभी हम डाल देंगे पहले से जो हमने पेस्ट बना के रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से इसको हमको भूनना है जब तक ऊपर से ऑयल ना छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर से ऑयल छोड़ दिए हैं, तो ये अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी टाइम पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा नीचे से मसाला जल नहीं जाएंगे। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे ड्राई मेथी लीव्स, इसको थोड़ा सा हाथ में क्रश करके डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम अच्छे से मिला लिए। अभी हम डाल देते हैं 2 टीस्पून शुगर, ये थोड़ा सा मीठा मीठा ही बनता है तो इसीलिए। और डाल देंगे नमक, नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा।
और इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर अभी हम डालेंगे जो पनीर हम फ्राई करके रखे थे उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे, और अलग से कोई पानी नहीं डालेंगे। पनीर को हम जिस पानी में भिगो के रखे थे वो पानी भी इसी में ऐड कर देंगे, तो इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। अभी हम इसको 3-4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। अभी 3-4 मिनट हो गया है, लीक खोल के देखते हैं। आप लोग भी देख सकते हो ग्रेवी थोड़ा थिक भी हो गया है और साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसी टाइम पे हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी ग्रेवी को सर्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। तो अभी हम डाल देते हैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। तो जब भी आप फ्रेश क्रीम ऐड करोगे ना, तब कंटिन्यूसली ना इसको हिलाना पड़ता है, नहीं तो ये क्रीम फट जाता है। और गैस को भी सिम में ही रखना है, तो अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है। इसी समय हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा यूज़ करेंगे यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, तो ये भी ऊपर से डाल देते हैं। और साथ में पनीर बटर मसाला है तो थोड़ा सा ऊपर से एक बटर भी डाल देते हैं। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो अभी एकदम रेडी है हमारा पनीर बटर मसाला। अभी हम इसको एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ में ये रेसिपी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। साथ में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।